मैं सही बताऊं, मुझे पता था कि X570 जो AMD के नए मदरबोर्ड आने वाले हैं राइजन के थर्ड जनरेशन के साथ, वो महंगे होने वाले हैं। मुझे पता था, 101% पता था, क्योंकि PCIe 4.0 का सपोर्ट और 3200 MHz तक की रैम का सपोर्ट और ये सब कुछ मिला के तुम्हारा जो होता है ना, एंडिंग में जाके प्राइस बढ़ाता है। तो X570 जो प्लेटफॉर्म आया ना, बहुत ज़्यादा महंगा प्लेटफॉर्म आया। और मतलब मैंने कई वीडियोज़ में अपनी वॉर्न भी किया कि तुम प्रोसेसर तो सस्ता ले लोगे लेकिन मदरबोर्ड में तुम मारे जाओगे, मदरबोर्ड्स महंगे हैं। अब एसूस आता है और X570 जो प्राइसिंग में पहले से ही सबके बाप हैं, उनके भी अपग्रेडेड वर्जन निकाल देता है। प्राइस पॉइंट में ज़्यादा अपग्रेडेड है, और तुम्हें जो लगता है ना, जो उसके अंदर फीचर्स हैं वो इतने खास ऊपर नहीं है, पता नहीं क्यों। तो X599 और X590 दोनों के दोनों एसूस की तरफ से अनाउंस हो चुके हैं। अभी जिस तरीके का एसूस का नोमन कलेचर है ना, जिस तरीके से वो मदरबोर्ड्स को नेम करता है, उसमें 101% मुझे पता है कि 5 नए मदरबोर्ड्स निकालेगा वो। X590 और X599 दोनों के ही 5 सीरीज निकालेगा, तो 10 मदरबोर्ड्स नए आने वाले हैं। तो प्रो निकलेगी, या मतलब प्राइम प्रो निकलेगी, प्राइम पी निकलेगी, उसके बाद ई निकलेगा और एफ निकलेगा, और एक जो नॉर्मल टफ सीरीज का होता है सबसे महंगा वो निकलेगा। प्राइम पी और प्राइम प्रो ये दोनों अलग अलग है मेरे भाई। प्राइम पी और प्राइम प्रो में सिर्फ इतना फर्क है कि प्राइम पी के अंदर जो होता है, एक तो सस्ता होता है और उसके अंदर RGB नहीं होती है, बस इतना फर्क है प्राइम पी और प्राइम प्रो में। और मैं सही बता रहा हूँ, प्रो में इतनी कोई खास ज्यादा RGB है भी नहीं, और X570 के उसमें जो होता है ना, 4 से 5 हजार रुपये बढ़ा दिया गया है पी और प्रो के बीच में। मतलब RGB के तुम्हारे को 4 हजार रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, कतई पागलपन है भाई। इसी से समझ जाओ कि RGB कितनी ज़्यादा मतलब जो गेमिंग के उसका वो बना रहे हैं ना, वो जो क्या बताते हैं, एक स्टैंडर्ड बना रहे हैं RGB की गेमिंग के लिए, है तो RGB चाहिए ही चाहिए। तो देखा जाए ना, तो X570 के भी जो मदरबोर्ड्स हैं ना, वो बहुत महंगे हैं, 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार, और मतलब बहुत ज़्यादा रेट्स तक पहुँचते हैं। अब और सही बताऊं तो X570 470 से बहुत ज़्यादा अपग्रेड भी है, बहुत बड़ा अपग्रेड है। PCIe 4 है, ज़्यादा तुम्हारे जो हैं IO में पोर्ट्स हैं, ज़्यादा फास्ट रैम का सपोर्ट है, और भी बहुत कुछ है, हीट सिंक्स इतनी सारी लगी हुई हैं। इस प्राइस पॉइंट और इस अपग्रेड को 590 और 599 कैसे टॉप करेंगे, ये थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक उनके फीचर्स और उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो नहीं बताई गई है कि वो क्या लाएंगे तुम्हारे लिए प्लेट पे। जितना मुझे लगता है, ज़्यादा तो जो होता है ना कि तुम्हारी PCIe 4 के ऊपर तो निकलना नहीं, तो ये तो यहीं छोड़ दो। इसके अलावा तुम्हारे को फास्टर रैम का सपोर्ट मिल सकता है, दिस इज समथिंग दे कैन डेफिनेटली वर्क ऑन, क्योंकि 3200 MHz आज की डेट में ना कुछ इतनी बड़ी वो रह नहीं गई है। तुम 3000 MHz तक तो पहुंच ही गए हो, और जब तुम एंथूजियस्ट ग्रेड का मदरबोर्ड बना रहे हो तो वो बंदा 3600 की रैम भी खरीद सकता है, क्योंकि उसको पैसे खर्च करने से फ़र्क नहीं पड़ता, वो अमीर है। तो 3600 तक की रैम का सपोर्ट आ सकता है, उसके ऊपर से कंपनीज भी कम नहीं है, एवर फास्टिंग रैम बनाती रहती हैं वो, 4000 MHz तक तो पहुंच ही चुकी हैं रैम्स, और भी ऊपर बनती जा रही है। तो आज के डेट में ज़्यादा फास्ट रैम का सपोर्ट होना कोई बुरी बात नहीं है कि आगे चल के मेरे को अपग्रेड करना पड़े, क्योंकि हार्डवेयर जैसे जैसे बढ़ता है, सॉफ्टवेयर भी उसी के जैसे जैसे नई चीज़ और नई फास्टर चीज़ की रिक्वायरमेंट देने लगता है। तो फास्टर रैम की कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो महंगे प्राइस पॉइंट में आएगा। तो ये सब जो होता है ना, X590 में आएगा। X590 में तो मतलब मुझे पक्का पता है कि इतना ही अपग्रेड आना है। X599 जो होगा वो स्ट्रेट अप इंक्रीमेंटल अपग्रेड है, ये रैम के बीच में ही अपग्रेड कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। वो हद से ज़्यादा महंगा मदरबोर्ड होगा, और वो सीधे ये बोलेगा कि भैया 4100 MHz तक की रैम लगा लो, चाहे 4500 MHz तक की रैम लगा लो, फ्यूचर प्रूफिंग कर लो रैम के मामले में। तो बस इतना ही अपग्रेड, इसी चीज़ में अपग्रेड दे सकते हैं, और चीज़ में क्या अपग्रेड देंगे, प्रोसेसर तो सेम ही लगना है। और दूसरा, अभी तक हमने जो होता है ना, AMD की तरफ से थ्रेड रिपर का थर्ड जनरेशन नहीं देखा है। जो 3900X निकाला है AMD ने, वो टेक्निकली एक थ्रेड रिपर 2 किलर है, जो कि मतलब AMD ने किसी तरीके से एक कंज्यूमर ग्रेड CPU में फिट कर दिया है। और आई डोंट नो AMD कितना पागल होगा और आगे चल के, वो एक थ्रेड रिपर 2 किलर है। थ्रेड रिपर 3 अभी तक मार्केट में आया नहीं है। 3950X जो है वो अभी निकलेगा, मोस्ट प्रोबेबली ये X599 जो निकलेगा ये उसके लिए निकलेगा। उस समय जब ये निकलेगा तब हम देखेंगे, लेकिन यार मतलब इससे ज़्यादा मैं प्राइस के मामले में थोड़ा सा वो हो रहा हूँ कि कहाँ जाएंगे हम बजट गेमर्स। मतलब सीरियसली यार AMD, तुमने अगर X590 निकालने का तुम्हारे पास टाइम है, एंथूजियस्ट के लिए चीज़ निकालने का टाइम है,
तो हम मतलब बजट गेमर वाले B550 भी निकालो ना मेरे भाई, है B550 जो होता है, दैट इज वॉट वी आर वेटिंग फॉर। जो ज्यादा बड़ी तुम्हारी पब्लिक है वो B550 का वेट कर रही है, जो कि कंज्यूमर ग्रेड, जो कि बजट एडिशन के जो है मदरबोर्ड्स हैं, वो क्यों नहीं निकाल रहे हो यार? मतलब ये ज्यादा बड़ी मार्केट है AMD, ये तुम्हारी मार्केट है जो हमेशा से तुम यूज करते आए हो, ठीक है ना, तुम बड़े लोग बन गए हो, लेकिन यार B450 पता नहीं अभी अभी तक अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है उन वाले मदरबोर्ड्स की, ठीक है, तुम देख रहे हो किस लेवल का पागलपन चल रहा है यहाँ पे। तो वही है यार, प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट। चलो वो तो जब निकलेंगे तब देखा जाएगा, लेकिन B450 भी आएंगे भाई, चिंता B550 सॉरी B550 भी आएंगे भाई, चिंता मत करो, लेकिन थोड़ा लेट आएंगे। तो तुम्हारे जो काम के मदरबोर्ड्स होंगे, जो बजट गेमर्स हैं, उनके काम के B550 होंगे, तो विल वेट फॉर देम। दूसरी खबर जो इंटेल की तरफ से है वो ये है कि इंटेल का आइस लेक निकल रहा है, 10th जनरेशन CPU निकल रहा है, और 9th जनरेशन से इम्प्रूवमेंट है, लेकिन Ryzen 3000 जितनी आग नहीं है, मतलब आग आइस, तुम समझ रहे हो ना, लाइक पन इंटेंडेड, मतलब इतना मज़ा नहीं आया, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसके आसपास जो है ना इतनी मार्केटिंग भी नहीं है, और इंटेल भी बड़ी शांति से इसे निकाल रहा है, यूट्यूबर्स इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं लेकिन इतने एक्साइटेड नहीं है इसके बारे में। तो बेंचमार्क्स तो जब आएंगे तब आएंगे, तब इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस ये है, निकल रहे हैं, आखिरकार निकल रहे हैं, और Ryzen 3000 जितने नहीं है, Ryzen 3000 अभी भी किंग है। उसके अलावा Windows 10 का भाई Ryzen 3000 के लिए अपडेट आ चुका है, अगर तुम ओरिजिनल विंडोज यूज कर रहे हो तो प्लीज उसे अपग्रेड कर लो, अपडेट कर लो, तुम्हारे को Ryzen 3000 में बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर राइजन स्मार्ट शेड्यूलर है, ठीक है ना। राइजन के जितने भी प्रोसेसर के कोर्स हैं ना, वो सारे के सारे इक्वल नहीं है, कोई कोई कोर ज़्यादा फास्टर ओवरक्लॉक हो सकता है, कोई कोई कोर कम हो सकता है, और ज़्यादा फास्ट वाले में और कम वाले में कभी कभी 100 से 150 MHz तक का जो होता है डिफरेंस हो सकता है स्पीड के मामले में। तो दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। ये डिफरेंस है, क्यों है, ये तो AMD की तरफ से ही पता चलेगा, मैं आगे चल के वीडियो में भी बताऊंगा, लेकिन AMD का जो शेड्यूलर है जो विंडोज 10 के नए अपडेट में आया है, वो ऐसे करता है कि फास्टर कोर्स को ज़्यादा थ्रेड्स देता है, ठीक है ना, जितने भी तुम्हारा गेमिंग का वो होता है वो शेड्यूल करके फास्टर कोर्स को देता है, जितना भी और चीज़ें होती हैं वो स्लोअर कोर्स पे डाल देता है। तो ये स्मार्ट शेड्यूलर जो मतलब AI टेक्निकली, ये विंडोज की तरफ से नया फीचर है, इसके बिना तुम Ryzen 3000 का पूरा फायदा नहीं उठा सकते हो। नंबर 2, Ryzen 3000 जो है इस समय ना काफ़ी थोड़ा सा अनस्टेबल चल रहा है, मेरे आसपास भी जिन लोगों ने बिल्ड्स बनवाई हैं उनको काफ़ी जो होता है स्टेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं Ryzen 3000 में। तो तुम वेट कर लो 1 महीना कम से कम इस चीज़ को बनवाने में। मैंने जैसा बोला था, अभी 1 महीना हुआ नहीं है Ryzen 3000 को निकले हुए, 7 जुलाई को उन्होंने अनाउंस किया था, अभी टाइम है, ठीक है। तो जो होता है 15-20 अगस्त तक रुक जाओ, अगर तुम्हारे को लेना है तो ये सारे के सारे जो होते हैं ना स्टेबिलिटी इश्यूज सॉल्व हो जाने दो, बायोस अपडेट्स आ जाने दो, विंडोज़ के अपडेट्स आ जाने दो, तब चलाओ, क्योंकि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर्स, उसके अलावा स्क्रीन का ही ना आना और गेम्स चलाते ही वो अनस्टेबल हो जाना, ये सब बहुत सारे स्टेबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं जो मैंने पर्सनली देखे हैं, मेरे आसपास लोग PC बनवा रहे हैं। दूसरा, अगर तुम Ryzen 3000 लेते हो तो प्लीज़ भाई, अगर तुम Ryzen 3000 ले रहे हो तो ओरिजिनल विंडोज़ लो, तुम्हारे पास अब कोई एस्केप नहीं है, तुम्हारे को विंडोज़ पे 8,500 रुपये खर्च करने ही पड़ेंगे, ये एक्स्ट्रा खर्चा है। क्यों है? क्योंकि तुम अगर पायरेटेड विंडोज़ लेते हो और वो पुराने वर्जन की पायरेटेड हुई और तुम राइजन पे चला रहे हो, राइजन के हिसाब से उसके अंदर अपडेट्स नहीं हुए, राइजन का सपोर्ट नहीं हुआ, नहीं चलेगा तुम्हारा प्रोसेसर। फिर तुम जो होता है अपने जो डीलर की जान खाओगे, उससे पहले ही बता रहा हूँ, डीलर की गलती नहीं है इस चीज़ में, पैसे तुम्हारे पास नहीं है, नो ऑफेंस, तुम्हारे को Windows 10 असली लेनी पड़ेगी Ryzen 3000 लेने के लिए, या फिर कम से कम 3-4 महीने रुक जाओ आराम से, ताकि जो है विंडोज़ के जो पायरेटेड विंडोज़ के हैं वो अपडेटेड विंडोज़ वाले वर्जन निकल जाएं। उसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, गरीबों की कोई नहीं सुनता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो है तुम्हारे को विंडोज़ तो ओरिजिनल लेनी पड़ेगी ही पड़ेगी, ताकि तुम्हारे पास टाइमली अपडेट्स आए राइजन के लिए, और तुम्हारे जो भी स्टेबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज है ना, कम से कम जो विंडोज़ की तरफ से आते हैं, वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। ये एक जो होता है ना अपडेट वीडियो है, कि मतलब मैं तुम्हारे को सारे के सारे अपडेट्स दे देना चाहता हूँ। अब इन चीज़ों के अलावा जो एक एक्स्ट्रा न्यूज़ चल रही है ना, जो कि सिर्फ लीजा सू की बातों पर, जो कि AMD की CEO हैं, उनकी बातों पर है, तो AMD ने कंफर्म किया है कि वो हायर एंड 7 नैनोमीटर GPUs पर काम कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली
एनवीडिया के 2080 जैसे जीपीयूस को टक्कर देगा। अभी वो कब निकलेगा ये नहीं पता है, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर या अक्टूबर में, जैसा कि मैंने बोला था कि भैया एएमडी अपना जो है नया जीपीयू निकालेगा, वो 570 से ऊपर का, 570 XT से ऊपर का निकालेगा, जो कि सीधे 2080 और 2080 सुपर को कंपटीशन देगा। और उसी समय एनवीडिया भी अपना जो होता है 2080 Ti सुपर निकालेगा। ये जो है ना, और 2080 सुपर का प्राइस भी उसी समय घटेगा, ये भी लिख के ले लो मुझसे। तो तुम अगर 2080 सुपर खरीदने वाले हो तो और वेट करो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भाई, तुम वेट कर करके मरोगे, तुम बुढ़े हो जाओगे, तुम पीसी नहीं बनवा पाओगे इन कंपनियों के नाच गाने के चक्कर में। तो जो होता है ये इस समय जो होता है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन जो होता है ना हीटअप हो रहा है। AMD पहले GPU बोलेगा, फिर NVIDIA अपने GPU नए निकालेगा, AMD अपने GPU के प्राइस गिरा देगा, फिर NVIDIA भी अपने GPU के प्राइस गिरा देगा। बाद में AMD आकर बोलेगा कि हमने तो ये सब कुछ प्लान किया था, हमने जानबूझ के GPUs के प्राइसेस ऊपर रखे थे ताकि NVIDIA अपने प्राइसेस घटाएं और हम GPUs को अपने असली प्राइसेस पे ला सकें। मतलब भाई, और ये कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, ये AMD ने कंफर्म किया है कि हमने ये काम किया है, कि हम प्राइसेस को पहले हायर रखा, फिर NVIDIA को हमने क्लिक बेट किया इस चीज में कि वो प्राइसेस को कम करें। कमाल हो रहा है यार, कंपनी अपने आप में खेले जा रही है, हमारा कट रहा है, क्योंकि टेक्निकली जिन्होंने प्री ऑर्डर किया है X570 और X570 XT को, उनके तो कट गए, ठीक है, उन्होंने तो एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। अभी ये चीज जो है ना, इसीलिए मतलब वही है, मैं वेट करने को भी बोलता हूँ और वेट ना करने को भी बोलता हूँ, ये बड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग चीजें हैं। लेकिन बस यही है, तुम्हें खुद समझना पड़ेगा कि किन चीजों से रिलेटेड वेट करना चाहिए और किन चीजों से रिलेटेड वेट नहीं करना चाहिए, और उन चीजों को बैलेंस करके तुम्हारे को देखना पड़ेगा कि इस तरीके से काम करें। तो AMD की तरफ से नए 7 नैनोमीटर GPUs कन्फर्म्ड हैं, निकलेंगे वो लास्ट क्वार्टर में निकलेंगे 2019 के, या फिर 2019 के एंड में निकलेंगे और 2020 के शुरुआत में। और उसी समय जो होता है एनवीडिया अपने 2080 सुपर और 2080 Ti के प्राइजेस नीचे करेगा। हो सकता है एनवीडिया की तरफ से भी 2080 Ti सुपर निकले, क्योंकि वो वाला कार्ड अभी तक निकाला नहीं है एनवीडिया ने, वो पक्का वो तभी निकालेगा जब उसका कोई कंपटीशन होगा, और 2080 Ti के प्राइजेस घटेंगे। इतना सब कुछ होने वाला है 2019 के आखिरी क्वार्टर में या फिर 2019 के बिल्कुल एंड में। तो यार देखो, 2080 Ti तक तुम्हारा बजट है, तब तो तुम्हारी वेट करने की वो बनती भी है, ठीक है। 2080 सुपर तक लगवा रहे हो तब तुम्हारा वेट करने का शायद वो बनता है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि कोई फायदा नहीं है, तब कोई नई चीज आ जाएगी, ले लो। 3 महीने तक वेट करोगे, बेकार में जो होता है तुम जो है 3 महीने बाद फिर से तुम्हारे को रिग्रेट ही करना है, क्योंकि फिर नए GPUs निकलने की वो आ जाएगी 5-6 महीने बाद, कि भैया जो होता है मार्च या अप्रैल में नए GPUs अनाउंस हो जाएंगे, अगले साल जुलाई अगस्त तक नए GPU निकल जाएंगे जो कि 7 नैनोमीटर प्लस पर होंगे। मजा लेना है तो पूरे कम से कम 1 साल का तो लो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे GPUs के लिए वेट करना कोई वो नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ एक न्यूज डाल दी है कि भैया देखो आ रही है चीज, आएगी चीज, कंफर्म्ड है। अगर तुम्हारा उसी समय बनाने का प्लान है कि सितंबर अक्टूबर में ही बनाऊंगा और तुम पैसे जमा कर रहे हो, या फिर तुम्हारे मम्मी पापा ने कोई शर्तें रखी हैं कि जो है अगस्त वगैरह तक दिलाएंगे या सितंबर अक्टूबर तक दिलाएंगे, तो तुम वेट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही है यार, इतनी जो है मेरे को न्यूज़ भी आ रही है, ये सारी एक अपडेट्स थी कि मतलब इन सब से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियोस मैं निकालूंगा, और बिल्ड गाइड्स जो है मुझे पता है मैंने वादा किया था, लेकिन जो है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो ये अपडेट वाली वीडियो पहले निकालनी ज़रूरी है। अभी के लिए इस वीडियो से संतुष्टि करो, बिल्ड गाइड अगली वीडियो है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार वीडियो को जो कोई PC बनवाने वाला है अपना, और बस सब्सक्राइब करके जाओ यार, बिल्ड गाइड्स आएंगी उन्हें देखना। तो हैव अ ग्रेट डे, और जो है कीप गेमिंग, कीप स्ट्रीमिंग, आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो नेक्स्ट टाइम।